दोस्तों मैं आपको लेकर के आया हूँ लिंगराज टेंपल, भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर। लिंगराज टेंपल जो कि भुवनेश्वर का सबसे बड़ा टेंपल है, भोलेनाथ को समर्पित टेंपल है। वैसे यहाँ सिर्फ हिंदूज की एंट्री ही होती है। टेंपल के अंदर तो फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, वहाँ ब्लॉग नहीं बन पाएगा, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको बाहर से दिखाऊँ वो टेंपल। फ़िलहाल आप देखेंगे पार्किंग में काफ़ी बड़ा यहाँ पर दिया हुआ। आसपास में और भी टेंपल्स हैं यहाँ पर, जैसे अगर आप इधर ही पीछे देखोगे तो यहाँ पर गंगा यमुना टेंपल है, और इससे पहले भरत और शत्रुघ्न के भी टेंपल थे। तो हम लोग थोड़ा उस डायरेक्शन में जाते हैं, यहाँ पर टेंपल है और वहाँ देखते हैं बाहर से क्या नज़ारा हमें दिखता है। देख रहे हैं दोस्तों, 7th सेंचुरी में यानी कि 600 वाले जो साल होते थे उस टाइम पे राजा जजाति केसरी द्वारा बनाया गया ये टेम्पल है। आप देख सकते हो खूबसूरती, देखो पता लग रहा है एंशियंट टाइम का बना हुआ, उस टाइम का जो आर्किटेक्चर है। जूम करके दिखाते हैं थोड़ा आपको, आप देख सकते हैं कैसे वो आदमी बिना किसी सपोर्ट, वो नीले कपड़ों में आपको दिख रहा होगा, बिना किसी सपोर्ट उतर रहा है अभी इस टाइम। और साइड में पहले एक आदमी और था, मतलब ये ऊपर फ्लैग चेंज करने जाते हैं जैसे जगन्नाथ पुरी का सिस्टम है, वैसे ही बिना सपोर्ट के ऊपर चढ़ा होगा। और देखिए कैसे बिना सपोर्ट के ये नीचे उतर रहा है इतना ध्यान से, रिस्क लेते हुए, लेकिन इनकी डेली की प्रैक्टिस है। ये चीज़ आपको यहीं देखने को मिलेगी ओडिशा के अंदर। और ये आपको मैं थोड़ा व्यू दिखाता हूँ यहाँ तक का, राइट में भी देखिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, राजा जजाति ने ये बनाया, तो जयपुर से उन्होंने भुवनेश्वर अपनी कैपिटल शिफ्ट करी, इतना दूर इंडिया के वेस्ट से एकदम ईस्ट साइड में आ गए थे। और एकाम्र क्षेत्र इसको बोला जाता था। एकाम्र क्षेत्र क्या है, आम के पेड़ के नीचे बेसिकली जो यहाँ के प्रिसाइडिंग डीटी हैं, लॉर्ड शिवा हैं, आम के पेड़ के नीचे स्थापित माने जाते थे। तो एकाम्र क्षेत्र नाम इस इलाके का होता था। अब थोड़ा उधर चढ़ के आपको दिखाएंगे महादेव मंदिर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हिंदूज के लिए अंदर जाना अलाउड है, नॉन हिंदूज अंदर नहीं जा सकते हैं। देखिए ये हमारे कुछ बाहर की कंट्री के लोग थे, ये भी इस प्लेटफॉर्म से देख रहे थे, अंदर नहीं जा सकते। ये प्लेटफॉर्म उस टाइम पे वायसराय लॉर्ड कर्जन के लिए बनाया गया था, क्योंकि वो भी हिंदू नहीं थे और वो देखना चाहते थे, तो वो कैसे देखते। तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म उस टाइम पर बनाया गया था जहाँ से उन्होंने इस टेम्पल को देखा। देखिए कितना आलीशान है, बेहद खूबसूरत। आपको एंट्री हम लोग दिखा रहे हैं दोस्तों कि इस तरीके से है, ऑल्दो अंदर जाकर तो अलाउड नहीं होगा, इसलिए आपको बाहर से जितना तक हो सकता है हम थोड़ा सा दिखा रहे हैं। देखिए सामने पुलिस वगैरह है, भीड़ है, ये रास्ता है अंदर एंट्री का टेंपल के। चलिए देखते हैं, अगर कुछ मौका बना तो आपको अंदर का कुछ और सीन दिखाएंगे। आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है दोनों का। This sprawling temple complex has 150 subsidiary shrines. The Shivling is known as Harihar. The Lingaraya Temple is the largest temple in Bhuvaneswar,